दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार से 450 प्लस वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए आ चुका है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे जो सैलरी ऑफर की जा रही है वो 27,000 रुपए पर मंथ जो है वो सैलरी ऑफर की जा रही है। तो ये बहुत बढ़िया मौका जो है वो UDHD बिहार से आ चुका है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं इस सरकारी नौकरी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको dailynaukri.com वेबसाइट से दिखा रही हूँ। तो अब हम लेटेस्ट जीओवीटी जॉब सेक्शन पे जाते हैं और बात करते हैं 463 जूनियर इंजीनियर UDHD बिहार रिक्रूटमेंट की। देखिए, मैंने जैसे इस जॉब पे क्लिक किया, मैं नेक्स्ट पेज मेरे सामने जो ओपन हो रहा है वो UDHD बिहार रिक्रूटमेंट 2020 का, और यहाँ पे आप जॉब की हाइलाइट्स देख सकते हैं। 463 जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है डिप्लोमा, जॉब लोकेशन बिहार है। और अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स में, और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार जो वैकेंसीज लेकर आया है वो टोटल वैकेंसीज लेकर आ चुके हैं 463, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स हैं वो 14 जनवरी से 27 जनवरी 2020 है। बट ध्यान दीजिए कि आपको जो अपने आवेदन है वो 27 जनवरी 2020 को शाम 4 बजे से पहले भेजने हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, कि क्या डिटेल है वैकेंसी की। देखिए, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो आ चुकी है, और सिविल के लिए 377 वैकेंसीज, तो ये बहुत बड़ा क्वांटम जो सिविल के लिए आ चुका है। मैकेनिकल की 44 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल की 42। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एंड डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और जो पे स्केल रहेगी वो 27,000 पर मंथ। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। जो अनरिजर्व मेल कैटेगरी है उनकी उम्र जो है वो 18-37 ईयर्स होनी चाहिए, ओबीसी, ईबीसी एंड यूआर फीमेल की 18-40 ईयर्स, और SC ST की 18-42 ईयर्स जो है वो एज लिमिट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। यहाँ पे जो आवेदन शुल्क है वो कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं जमा करना है, मतलब एप्लीकेशन फी जो है वो निल रखी गई है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन की। देखिए, जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, मतलब आपको अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने हैं। अब इंपॉर्टेंट लिंक्स पे नजर डालते हैं। देखिए, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है वो इधर दे रखा है, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी आने वाली कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो है वो मिस ना हो। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक की बात करें तो यहां से अप्लाई हेयर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप हमें ज्वाइन और फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये तो थी UDHD बिहार से आ रही सरकारी नौकरी की वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लेकर आते हैं।